लगता है कि मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है मन में कि कोई प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। बल्कि कर्मों का जो तीर है जब लगता है ना, इंसान करते हुए नहीं देखता, लेकिन जब घूम के अपने ऊपर लगता है ना, वो बहुत खतरनाक, बहुत पीड़ा देता है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो है कर्मों की एक स्टोरी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्मों वाला, क्योंकि हम कर्मों के प्रति अवेयर नहीं होते, करते हुए अवेयर नहीं होते। जब भुगतान भुगतना पड़ता है तो बड़ा तकलीफ होती है, बड़ी पीड़ा होती है। तो ये जो स्टोरी है, ये बड़ी कॉमन स्टोरी हो सकती है किसी की भी। एक स्त्री जो हमसे PLR करवा रही है, उसने हमसे कहा कि मेरे हस्बैंड जो है केवल अपने फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए मेरा यूज करते हैं। हालांकि पैसा वैसा देते रहते हैं, लेकिन कोई उनके अंदर इमोशंस नहीं है मेरे प्रति, बस मुझे एक मशीन की तरह फिजिकल यूज करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है मन में कि कोई प्यार नाम की कोई चीज नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल लेवल पर उसका यूज करते हैं, सेक्स के लिए यूज करते हैं बस। बड़ी तकलीफ वाली बात उसने कही। लेकिन जब हम पास्ट लाइफ देखते हैं ना, ऐसे ही अनेक लोगों के जब हम पास्ट लाइफ देखते हैं, तो पास्ट में जाकर जब स्टोरी समझ में आती है तो बड़ी तकलीफ होती है कि व्यक्ति जब करता है ना, जो कर्मों का जो खेल है ना बिल्कुल सटीक है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई गलती नहीं की और मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। पिछले जीवन में हमने जाकर देखा कि ये एक लड़का था, और ये अनेक जगह पर इसने जो है वेश्याओं के साथ पास जाता, लड़कियों के पास जाता। पहले पैसा था, खूब पैसा था, पैसा हो हाथ में और मन को कंट्रोल करने वाला कोई ना हो, कोई सत्संग ना हो, कोई गुरु की संगत ना हो, तो मन क्या करेगा? मन अपनी वासनाओं के पीछे भागेगा और क्या करेगा। और बस ये जगह जगह भागता, पैसा लुटाता, स्त्रियों का लड़कियों का यूज करता, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने शरीर की संतुष्टि तक के लिए यूज करता, और आगे बस उसको चला जाता। ऐसे करके अनेक लड़कियों के साथ इसने ऐसा किया। तो इस जीवन में फिर उसने जो हमने देखा कि उसके बाद लास्ट में जीवन के अंत में जाकर परमात्मा की शरण में कहीं ना कहीं चला गया। मैं कर्मों का कंबाइंड इफेक्ट भी बता रहा हूं यहां पर आपको। लास्ट में जो है ना, जब जीवन जब अंत में आया, थोड़ी समझदारी आई मन में, कुछ माफी मांगी परमात्मा के, भगवान के चरणों में जाकर, कोई संत मिल गए जीवन में आए, उसके बाद जीवन कुछ लाइन पर आया, अनेक गलतियों के लिए माफी मांगी। तो इस जीवन में परमात्मा ने इसको, जो इसने अनेक अनेक लड़कियों के साथ किया था, वो इसको खुद लड़की बना दिया, इसको खुद लड़की बना दिया। और इन्हें अनेक के साथ किया था, वो अब एक ही के साथ इसको तकलीफ मिल रही है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं माफी मांग ली थी और परमात्मा ने इसकी भाव को स्वीकार करके इसकी तकलीफ को कम कर दिया। अब एक ही व्यक्ति इसको जीवन में तकलीफ देता है, वो उसका पति है। तो बात अंदर ही अंदर टिक जाती है, कहीं और तो नहीं, क्योंकि इसने तो बहुत गंदगी मचाई थी पिछले जीवन में। अब वो सारी बातें चेंज होकर इस पर ये आ गई है कि वो वही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है जो तकलीफ देता है। लेकिन वो घर की घर में ही बात है, कम से कम उसे कुछ और तक नहीं कहता, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, लेकिन बस सिर्फ फिजिकल उसका यूज करता है और पैसा उसको देता रहता है। सेम चीज जो बिल्कुल इसने लोगों के साथ किया, वही हो रहा है। लेकिन हाँ, गलतियों की माफी मांगने से जो अनेक अनेक लोगों के साथ तकलीफें दी, अब वो एक के साथ ही तकलीफ हो रही है। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है कि अब इस तरह से जब आप माफी मांगते हैं तो कुछ तो सजा कम हो जाती है, डेफिनेटली कुछ कम हो जाती है। लेकिन मैं ये कहूं कि पूरी माफ हो जाती है तो ऐसा नहीं है, तो कुछ तकलीफ झेलनी पड़ेगी कुछ तो। लेकिन जितना हो सके सजग रहें अपने कर्मों के प्रति। कर्मों का जो तीर है जब लगता है ना, इंसान करते हुए नहीं देखता, लेकिन जब घूम के अपने ऊपर लगता है ना, तो बहुत खतरनाक, बहुत पीड़ा देता है, बहुत दर्द देता है। तो जितनी समझ विकसित कर ली जाए उतना अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे कर्मों के ऊपर संजीव मलिक कर्मा स्टोरी के नाम से आप ढूंढ सकते हैं। अनेक तरह के कर्मों के बारे में मैंने बहुत ज्यादा एज ए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट अनेक अनेक लोगों के पास्ट लाइफ देखे हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं ये स्टोरी। ऐसी अनेक स्टोरीज मैंने शेयर करी है ताकि लोगों को कर्मों के बारे में अवेयरनेस दी जा सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।